विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अल्मोड़ा विधानसभा सोमेश्वर से विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत और प्रदीप टम्टा पर हमला करते हुए कहा कि हरीश रावत के शासनकाल में प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार रहा और बेरोजगारी की सीमा भी बढ़ी है। बिल्कुल दीपा, रेखा आर्या ने ये भी कहा कि हरीश रावत की करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। वहीं प्रदीप टम्टा के सोमेश्वर से चुनाव लड़ने को लेकर प्रदीप टम्टा की राजनीतिक लालसा इतनी बढ़ गई है कि अब किसी भी चुनाव में भाग्य आजमाने को तैयार हैं। ये तमाम बातें रेखा आर्या ने कही है। देखिए, हरीश रावत जी अर्थव्यवस्था या रोजगार को लेकर चुनौती देते रहे, पर मैं कहना चाहूँगी कि जब उत्तराखंड के शीर्ष पद पे थे, मुख्यमंत्री के रूप में जब वो थे, तो उन्होंने क्या किया? उत्तराखंड को किस दिशा में ले गए? भ्रष्टाचार की दिशा में ले गए, बेरोजगारी की दिशा में ले गए। सबसे ज़्यादा हड़ताल उनके कालखंड में हुआ। तो मुझे वो बताया कि उस दौरान में वो जब ताकत में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तो आज मुझे लगता है कि वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक शब्द उनके ये भी थे। आज वो चुनाव लड़ने की मंशा से काम कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो यही पता चलता है कि कांग्रेस जो है उसकी कथनी और करनी में अंतर है, वो उनके स्वभाव से दिखता है, वैसे उनके उच्च नेतृत्व में भी दिखता है। हरीश रावत जी भी कहते कुछ हैं, चाहे दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हों और फिर बाद में अपने लिए मुख्यमंत्री के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हों। तो ये भेदभाव, ये कांग्रेस की सोच है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष